नेशनल हाईवे 130 सड़क में बस अनियंत्रित होकर पलटी। बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 सड़क में बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें 50 से 60 यात्री बस में सवार थे। घायलों को नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दावा के पास बनारस से कोरबा जा रही महिंद्रा बस तड़के सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 50 से 60 यात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंची उदयपुर पुलिस ने आनन फानन में सभी यात्रियों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही गंभीर घायलों को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया गया। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस के चालक को काफी देर से ही झपकी आ रही थी, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। वहीं मौके से ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए हैं। इधर उदयपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुषमा नवनीत है। मैं जांजगीर चांपा जिला से रहने वाली हूँ। और मैं भी जब बस ड्राइवर थे उसी सीट में हम लोग भी बैठे हुए थे, तो ड्राइवर रास्ते में सीधे जा रहा था वो, तो रास्ता सीधा ना करके उसका बैलेंस ऐसे लगा जैसे वो नींद में उसको ये हो रहा है कहकर वो रास्ता गलत साइड में मोड़ने लगा। मतलब सीधे रास्ते जा रहे हैं तो जाते जाते वो खाई वाली रास्ते में दो चक्के इधर चले गए, दो चक्का इधर, जिससे बैलेंस नहीं बना और उससे गाड़ियाँ नीचे जाते जाते एक बार ही पलटी हुई है, जिससे हम लोग बच गए। अगर दो तीन बार पलटी होती तो हम लोग नहीं बच पाते। झपकी आया था ड्राइवर को, ऐसा आप कहना है? जी, मेरे को ऐसे ही लगा उसको झपकी जैसे आया, क्योंकि रास्ते में गाड़ी ना आ रही थी कि नहीं, पूरी रास्ते साफ थी और रास्ते ऐसे जाने की वजह, सीधे जाने की वजह ऐसे देते गया तो हम जान में कि एक्सीडेंट होने वाला है। कितने लोगों को चोट लगा गाड़ी में? गाड़ी में सभी को चोट आई है, कुछ ना कुछ लगी। लगभग कितने लोग रहे होंगे? लगभग फुल गाड़ी थी, 50-60 लोग। हाँ, होंगे 50-60, ऊपर सीट में, स्लीपर में सब। गाड़ी कहाँ जा रही थी? कोरबा जा रही थी गाड़ी। कहाँ से आ रही थी इधर? ये सुनने में आया था कि ये बनारस से होते आ रही थी। अच्छा, आप लोग कहाँ से बैठे थे? हम लोग अंबिकापुर से बैठे। फिर ड्राइवर खलासी जो होते हैं गाड़ी के, वो भाग गए या फिर? नहीं, हम लोग को चोट लगी ना, तो हम लोग पहले निकले और सब निकले और सब वही थे। रात का समय अंधेरा था, सुबह का टाइम अंधेरा टाइम में कौन कहां गया। लगभग कितने बजे घटना हुआ होगा? ये लगभग 3:30 बजे। 3:30 अभी ठीक है आप? हाँ, ठीक है।